हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू दिस मॉडर्न मास्टर जी चैनल। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया है, राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन माइनस 2। अब ये जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको इसमें एक चीज़ बताता हूँ। जब भी आपको ऐसा दिया रहता है ना कि माइनस 2, सो आप देखो ये जो डिजिट है ना माइनस 2 है, ये है नेगेटिव में, और पॉजिटिव में कोई भी नंबर हो, चाहे 0.00001 ही क्यों ना हो, वो भी माइनस 2 से बड़ा होगा। अब कैसे सो देखो, नंबर लाइन हमारी ये होती है, ठीक है, ये 0 है, ये माइनस 1 है, ये माइनस 2 है, इधर 1, इधर 2, इधर 2, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, माइनस 2 इधर है, हम ग्रेटर किधर को मानते हैं, कभी भी हम बड़ा जब हम करते हैं, ठीक है, आगे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हम इधर बढ़ते हैं, ठीक है, इधर को नंबर्स छोटे छोटे होते जाते हैं और इधर को नंबर बड़े बड़े होते जाते हैं। अब कोई भी नंबर है 0.00001, कुछ भी नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, वो भी इधर होगा, 0.001 इधर होगा, इधर कहीं होगा, वो भी माइनस 2 से बड़ा है। आप समझो बात, वो भी माइनस 2 से बड़ा है, तो मैं यहाँ पर एक चीज़ लिख सकता हूँ, अगर मैं लिख दूँ 2/3, 4/6, 9/1, 3/2, 3/1, 8/6, कुछ भी, मैं कोई भी रैंडम नंबर लिखता हूँ जो कि पॉजिटिव में होगा, तो वो डेफिनेटली, चाहे वो कुछ भी हो, वो माइनस 2 से बड़ा होगा। आई होप आप काफ़ी हद तक समझ गए होंगे, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ आपको। देखो, अगर आप 3 से 2 को डिवाइड करते हो, ठीक है, आप अगर 3 से 2 को डिवाइड करते हो, मैं काफ़ी मतलब डीप में आपको घुसाने की कोशिश करता हूँ, आई थिंक मैं को लगता है काफ़ी बच्चे समझ गए होंगे, ठीक है। अगर मैं 3 से 2 को डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास नंबर क्या आएगा, मेरे पास नंबर समथिंग 0.6, ठीक है, 0.666 ये नंबर आएगा, जो कि माइनस 2 से बड़ा है। 0.666 आपका ना कहीं यहाँ पर यानी कि 0 से और 1 के बीच में ही आएगा 0.666, जो कि हमेशा माइनस 2 से बड़ा होगा, इसलिए मैंने कोई भी रैंडम वर्ड नंबर लिख लिए हैं। अब क्या करो आप, मतलब ये क्वेश्चन लगभग यहीं पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, आपको सीधे लिख देने हैं 5 रेशनल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन माइनस 2, आर करके ये सारे आपको नंबर्स लिख लेने हैं, ठीक है। सो इनमें से कितने लिखने हैं आपको, 5 लिखने हैं, तो 2, 2, 4, 2, 6, ये आपके 6 नंबर्स हैं, इनमें से आप कोई भी 5 लिख सकते हो, या फिर मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने माइंड से बनाओ, ठीक है, एक बार कोशिश तो करो यार, बिल्कुल ईजी है सारी चीज़ें, ठीक है। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 6, फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तब तक के लिए बाय, पढ़ाई करते रहें।